बैठे बैठे उस्मान भाई, एक मिनट बैठे जरा भाई, अपनी कॉल करना है, कॉल करना। ब्रूटस इसकी एक्सरसाइज मैं करवाता हूँ ना, मैंने टायर लगाया हुआ तो लटक जाते हैं साथ, लटक जाता है और ये जंप अपने फोर लेग्स के साथ करता है। वो चाइनीज शेफर्ड नहीं होता जो उसकी तरह के लग रहे हैं, इतने ऊंचे कदों के, इतने बड़े फेस की हैं, इनकी एज थोड़ी ज्यादा शायद इस वजह से लग रहे हैं। अलीशा के पास है, अलीशा ये कौन सा डॉग है? वालेकुम यार, आज ना लाहौर में डॉग शो था तो मैंने सोचा कि आपको डॉग्स का शो करवा दे। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि भाई हमें जर्मन शेफर्ड और वो हस्की, उसके अलावा मुख्तलिफ जो ब्रीड्स हैं उनका शौक करवाए, तो आप स्पेशली आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। साथ बने रहें, वीडियो फुल देखें और क्या देखना चाहते हैं नीचे लाजमी कमेंट्स करके बताएं, मैं आप लोगों को यहाँ पे प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे डॉग्स दिखाता हूँ। पहले ना यहाँ पे हमें मिले पहले भाई जो है इंतजार, और हमारी एलेक्स की तरह का ना इनके पास एक मेल है, थोड़ा सा छोटा है उसे उम्र में, तो इंतजार भाई आप बता रहे हैं इस पे भरोसा नहीं है आपको? भरोसा है हम पे भरोसा नहीं, हमें काट लेगा ये, आपको काट सकता है, मुझे काट सकता है। क्या एज हो चुकी है इसकी इंतजार भाई? अभी 10 मंथ्स का है। इसे वॉक करवाएं थोड़ी सी, जैक है इसका नाम। थोड़ा मेरी तरफ इंतजार भाई, दूर चले गए हम मेरे से। वाह क्या बात, वो इसने तो इंतजार को इंतजार भी हिला के रख देना इसको। इंतजार भी एक टाइम पे साइज में आएगा, टाइम लगेगा। तो कब से आपके पास ये डॉग? ये मैंने पाला है बचपन से। कितने महीने का हो चुका है अभी? ये 10 महीने का हो चुका है। 10 महीने का हो चुका है। डाइट क्या रखी हुई है अभी आपने इसकी? मेरा डॉग फूड पे देते हैं और कीमा वगैरह चिकन, वही चिकन दे रहे हैं। सही हो गया। और वैक्सीन वगैरह करवा ली हुई आपने? क्या सीन था, वैक्सीन कौन सी कराई थी? वैक्सीन इसकी वो प्रीमा डॉग वाले जो स्टार्ट में इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है वही मैंने कंप्लीट करवाई। अभी तो मतलब साल बाद फिर इसकी वैक्सीन होगी। इंतजार में मजा आया आपका डॉग देख के। बाकी हम लोग आगे चलते हैं यार, मैं आपको और डॉग दिखाता हूँ और आप कॉमेंट्स करके बताएंगे इंतजार भाई का डॉग कैसा लगा आपको। अच्छा सेकंड नंबर पर जर्मन शेफर्ड के बाद अदनान भाई के पास। सलाम अलैकुम अदनान भाई। अच्छा अदनान भाई, क्या ब्रीड है, क्या साइज है इसका? बहुत छोटा साइज है इसका। ये अमेरिकन पिटबुल है। अमेरिकन पिटबुल है इसको? बली? हाँ जी, बली भी मेरा ख्याल है वो मोगली वाले कार्टून में आता है ना जी, जी। एक मैंने बगीरा देखा अभी बैक साइड पे, मैंने एक डॉग्स की वीडियोस की है, वीडियो की है, उसमें बगीरा था एक। अच्छा तो क्या एज है बली की? ये ही इज ओनली 6 मंथ्स। अभी 6 मंथ्स का है। और कितना वेट होता है ये जो पिटबुल होता है? पिटबुल्स का इट डिपेंड्स ऑन योर डाइट। अदनान भाई ये वही डॉग्स हैं जो वो टायर वगैरह पकड़ते हैं, गाड़ियों को खींचते हैं, इतने छोटे छोटे हो गए, कैसे काट लेते हैं ये? दरअसल ये ब्रीड ही थोड़ी मस्कुलर है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत है और ये तो मेरे ख्याल पकड़ ले तो छोड़ता भी नहीं किसी को। बाइट फोर्स का तो कोई, तो क्या ट्रस्ट है इसके ऊपर? स्ट्रेंजर्स को कुछ नहीं कहता ये? नहीं ये कुछ नहीं कहता स्ट्रेंजर, बाकी बात है देख लेना, इधर मेरा हाथा कटा दोगे तुम? नहीं नहीं, ये जब बसेस के सामने कोई सस्पिशियस एक्टिविटी करे ना फिर ये चौकस हो जाता है। तो ये जंप कितनी हाइट तक करते हैं मैक्सिमम? जंप मैक्सिमम कोई आइडिया आपको? नहीं आइडिया, मैंने सुना कि जंप बहुत ऊंची ऊंची करते हैं, तो मतलब वॉल्स पे चढ़ जाते हैं भागते भागते। इसकी एक्सरसाइज मैं करवाता हूँ ना, तो मैंने टायर लगाया हुआ तो लटक जाते हैं, लटक जाता है और ये जंप अपने फोर लेग्स के साथ करता है। तो आप अभी इसको ले गए शो में? इसकी शो खेल लिया? हाँ जी, अभी इसकी क्लास आएगी, अभी नहीं, अभी क्लास नहीं आई है, फर्स्ट शो है इसका। हाँ जी, इसका फर्स्ट शो। चलिए देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा तो हमारे साथ दूसरे भाई हैं एक और। आपका नंबर आ गया, क्या बात है जी, बड़ी डिफरेंट चीज लेके बैठे हुए आप। अच्छा सेकंड नंबर पे एक और डॉग अलीशा के पास है। अलीशा ये कौन सा डॉग है? सर ये अमेरिकन पिटबुल। यार आपने थोड़ा ऊंची बोलना, शोर बहुत ज्यादा है। सर ये अमेरिकन पिटबुल है। अमेरिकन पिटबुल है जी, इसकी ये 12 मंथ्स का हो गया, ये टोटली ना ये फुल एडल्ट है इस टाइम। ये अभी एडल्ट है, अभी फुल एडल्ट नहीं हुआ मगर इसको एडल्ट कह सकते हैं। यार अमेरिकन पिटबुल जो दिखाते हैं वो उसका वो कौन सा था जो हमने पहले दिखाया है? सर वो इसका छोटा भाई है, वो भी यही चीज बनेगी जी, अगर अच्छी केयर की जाएगी, अच्छी कीपिंग की जाएगी तो वो इंशाल्लाह। वो इसके अंदर भी म्यूटेशन आती हैं मुख्तलिफ, मतलब कोई स्ट्रक्चर ब्रीक होता है, किसी का मोटा स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, जो होते हैं ना एक्सेल साइज में उनका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होता है। ये एक्सेल में होता है, ये स्टैंडर्ड साइज है जो बॉडी बिल्डर टाइप के होते हैं डॉग। बॉडी बिल्डर एक्सेल को भी कर सकते हैं आप, स्टैंडर्ड को भी कर सकते हैं आप, माइक्रो को भी कर सकते हैं, वो सब एक्सरसाइज पे है। सब एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है, उसकी डाइट पे डिपेंड करता है, कुत्ते को आप कैसे उसकी कीपिंग कर रहे हैं सब उस पर डिपेंड। क्या बात है माशाल्लाह।
अच्छा यहाँ पे मैं ब्लैक शेफर्ड ढूंढ रहा था और अली भाई के पास। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। अली भाई सामने करें था इसको, ये चीज ये देखें जी, ब्लैक शेफर्ड। अली भाई वॉक कराएं थोड़ी, आप थोड़ा साइड बैठे, आप उस तरफ हो जाए अली भाई, दूसरी साइड पे। इस तरफ लाएं जरा अली भाई, मैं गेस करता हूँ 7 मंथ्स क्या ये जी? सही आइडिया है, 5 to 6 के दरमियान, 5 to 6 गलत बता दिया है। तो किसकी ब्रीड है ये? ये ब्लैक जर्मन है। इसके फादर वगैरह का नाम वगैरह कुछ है? इसके फादर ये महज भाई का है। महज भाई का जी। ये लाहौर के हैं ब्रीडर जी। तो कितने डॉग्स हैं इनके पास? इनके पास फीमेल भी इम्पोर्टेड ब्लैक में ही है। अच्छा, और मेल भी इम्पोर्टेड ब्लैक में ही है। ठीक है, तो ये उसी का पपी है, खुद तैयार कर रहे हैं वो अपने लिए पपी जी। चलें ठीक है, शुक्रिया आपका। अच्छा, अब उस्मान भाई मेरे साथ हैं और उस्मान भाई ना यहाँ पे लेकर डॉग्स को भाग रहे थे उस टाइम के। ये देखें, 2 जर्मन शेफर्ड्स हैं इनके पास। उस्मान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। किस नाम से कैनल है आपका? जियो वुल्फ। यू वुल्फ, कौन कौन सी ब्रीड्स हैं आपके पास? बस जर्मन शेफर्ड्स हैं। कितने जर्मन शेफर्ड्स हैं आपके पास? उस्मान भाई बैठना एक मिनट जरा यार, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, कमाल है यार ये डॉग। वैसे ही सीधा खड़ा करे जैसे खड़ा हुआ था, स्ट्रेट। ये चीज पोजीशन में। इसकी क्या एज है? 32 महीने का, 3 साल का है। साइज बहुत अच्छा है इसका और कोट बहुत अच्छा है इसका, कोट कमाल है। और नाम क्या है इसका? ब्रूटस। ब्रूटस, ये देखें जी ब्रूटस है इनके पास। दोनों मेल हैं। इसके अलावा बता रहे हैं आपका पास और नहीं है जर्मन शेफर्ड्स? 8-9 है। अच्छा, दूसरे वाला हम दिखाते हैं भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद कासिम। और कासिम के पास भी यार ब्रूटस से तो छोटा है लेकिन ये भी काफी बड़ा डॉग है। कासिम भाई इसका नाम क्या है? एम्ब्रो। इसकी एज क्या है? 2.5 साल का। एम्ब्रो भी 2.5 साल का है। और फीमेल्स कितनी हैं आप लोगों के पास? हमारे पास 5 फीमेल्स हैं। 5 फीमेल्स हैं। और कैनल कहाँ पे आपके लाहौर में? लाहौर कैलवी ग्राउंड में। अच्छा, सही है यार। मैंने बड़े 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 देखे लेकिन इनकी हाइट बहुत ज्यादा ऊंची है। ये तो वो चाइनीज शेफर्ड नहीं होता जो, उसकी तरह के लग रहे हैं। इतने ऊंचे कदों के, इतने बड़े फेस के, यहाँ इनकी एज थोड़ी ज्यादा शायद इस वजह से लग रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे हैं यार ये। इन दोनों को खड़ा करके बीच में बैठना था आप लोग। कमाल है यार, बहुत आला। ऐसे बैठे हैं जरा, इस तरफ से एक शॉट दें इनका। भाई मुझे जितने मैंने डॉग्स देखे ना, उन सब में से 2 ये जो है ना बेहतरीन लगे हैं अभी तक इस वीडियो के अंदर। मैंने जितने भी डॉग्स देखे हैं, बैठे बैठे उस्मान भाई, एक मिनट बैठे जरा भाई, अपनी कॉल करना है, कॉल करना। शुक्रिया उस्मान भाई आपका। और सलान भाई हमें एक और यहाँ पे मिले हैं, और इसका ना मैं जो इनके पास डॉग है उसका हेड देख के यहाँ पे आया हूँ, सिम्बा। इसका नाम सिम्बा है। सलान भाई इसका हेड थोड़ा इस तरफ करें, सिम्बा का मुझे हेड बहुत अच्छा लगा है और काफी भारा है सिम्बा। सलान भाई क्या एज होगी इसकी इस टाइम? 3 साल। शोर बहुत ज्यादा था ऊंची, 3.5 साल। और अभी इसके बच्चे वगैरह, कोई कैनल है आपका या खाली शौक है आपका? मॉन्स्टर सिम्बा नाम भी एक डेंजर से रखा हुआ, बंदा सुन के डर जाता है। मॉन्स्टर सिम्बा, मॉन्स्टर सिम्बा, ठीक है। मेरे पास एक लैब्राडोर की ब्रीड है, मेल फीमेल। आपके अब कितने डॉग्स हैं लैब्राडोर? 7-8 हैं। तो कोई ग्राउंड टाइप बनाया हुआ है आपने अपना सिस्टम या? नहीं, घर में है कैनल आपका? सही है। तो
और भी कितने डॉग्स यहाँ पे लेके आए हैं? अभी फिलहाल इसे लाया हूँ, ये पिछले बार चैंपियन हुआ है। तो आपके पास पपी डाल के सात आठ डॉग्स हैं कि खाली ये बड़े अडल्ट अडल्ट सात आठ हैं? आप तो भाई पूरे प्रॉपर ब्रीडर हो यार। फीमेल्स कितनी हैं आपके पास? फीमेल तीन फीमेल हैं, तीन मेल हैं। तीन फीमेल्स हैं और तीन मेल हैं आपके पास, और एक पप है वो अभी एक मंथ का है। ठीक हो गया, तो हम लोग आपके पास चक्कर लगाएंगे, वहाँ पे आपके डॉग्स देखने के लिए स्पेशल आएंगे। जिम्मा जिम्मा इससे भी बड़ा कोई है कि ये लार्ज साइज है आपके पास? ये लार्ज साइज है, सीरियसली यार मुझे अच्छा लगा है देख के, मजा आया है। भाई लाइक शेयर कमेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।